कि हमें राजपूत समाज को न्याय मिले तो राजपूत समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैबिनेट में लाया जाए राजपूत समाज के युवा और जाने माने चेहरे शिव सिंह शेखावत को क्षत्रिय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बड़ी चुनौती है क्योंकि हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्या के बाद में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और किस तरह वे इस जो इस पद की प्रतिष्ठा को गरिमा में बनाएंगे खुद शिव सिंह शेखावत हमारे साथ हैं उनसे जानेंगे किस तरह लेते हैं शिव सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ये चाहता हूँ कि जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो हत्या में जो जो भी लोग पकड़े गए हैं वो एक मोहरे हैं हमारे शिरोमणि की जिसने प्लानिंग करी गई है हम चाहते हैं कि इसकी जड़ तक जाया जाए और जड़ तक जाया जाए और उसके बाद में ये बताया जाए कि ये प्लानिंग के पीछे कौन है तो मैं ये बताना चाहूँगा जिस बीजेपी को एक छोटे से पौधे को बनाने वाला एक राजपूत समाज है आज राजपूत समाज को बीजेपी से मोदी जी से सब लोगों से इन बीजेपी के जो भी लीडर हैं इनसे उम्मीद है कि हमें राजपूत समाज को न्याय मिले पता लग पता ही नहीं लग रहा कि अब इनके पीछे कौन है उनको पकड़ लिया गया है अब उनको जेल में बिठा करके उनको खाना खिलाया जा रहा है तो उनको खाना क्या खिलाया जा रहा है उनका एनकाउंटर किया जाए और एक समाज को मैसेज दिया जाए वरना पता लगेगा धीरे धीरे लोगों को एक मैसेज आएगा कि साहब वो भी अंदर बैठ के किसी की सुपारी ले रहे हैं किसी से फिरौती मांग रहे हैं किसी का मर्डर करा रहे हैं तो एक समाज में एक युवाओं में एक मैसेज जाएगा कि आप इनको एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनका या तो इनको फांसी की सजा दी जाए और एक समाज में और राजपूत समाज में एक बड़ा मैसेज दिया जाए अभी सरकार नई नई सरकार का गठन हुआ है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है और काफ़ी तादाद में बीजेपी के जो एम एल हैं राजपूत समाज के वो जीते हैं क्या मांगे आप यही मांग है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि राजपूत समाज के मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जीतने वाले राजपूत समाज हैं तो राजपूत समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैबिनेट में लाया जाए अगर राजपूत समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट में लाया जाएगा तो लोकसभा में एक अच्छा मैसेज आएगा और इसमें इसमें जो सुखदेव सिंह हमारे जो शिरोमणि थे उनकी हत्या का पूरा का पूरा खुलासा किया जाए राजपूत समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा इस तरह प्रतिनिधित्व करेंगे जो आपको नया पद मिला है उसको क्योंकि करणी सेना के नाम से कई संगठन बने हुए हैं पहले भी देखो करणी सेना के नाम से बना हुआ है अब जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष अदे, की जिम्मेदारी मिली है तो मैं यही जाऊंगा कि मैं समाज के लोगों के लिए भी करूं और छत्तीस कौम के लिए भी करूं क्योंकि क्षत्रिय ने हमेशा छत्तीस कौम के लिए किया है जब भी किसी गरीब गाय पे या अत्याचार हुआ तो क्षत्रिय ने हज़ारों गर्दने कटा ली और लाखों गर्दने काट दी तो मैं उसी चीज़ में चलूंगा कि गांव गांव ढाणी ढाणी जाऊंगा हमारे जो भी राजपूत समाज के छत्तीस कौम के लोग हैं उनको जगाऊंगा उनको कहूंगा आप सत्ता में भागीदारी लो और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊंगा कि आप क्षत्रिय कन्नी सेना से जुड़े जब भी भी कोई समस्या आएगी मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी छत्तीस कौम की पसीने की एक बूंद गिरेगी शिव सिंह शेखावत अपने खून का एक एक, एक कतरा लगा देगा आप लोगों के लिए तो छत्तीस कौमों को साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हैं शिव सिंह शेखावत कैमरे के पीछे अंशुल हैं मैं विजय वर्मा जनता दरबार न्यूज़ के लिए